सक्सेस और फेलियर, कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों ही शब्दों से आप परिचित तो जरूर होंगे और ज्यादातर कामयाबी से जुड़े काफी किस्से कहानियां आपने सुने होंगे, मगर क्या नाकामयाबी से जुड़े कोई भी किस्से या कहानियां सुने हैं? नहीं, राइट? ये मूवी उसी नाकामयाबी को और उस नाकामयाबी से जुड़े इफेक्ट्स को दर्शाती है, खूबसूरती से या फिर बड़े ही दर्दनाक तरीके से। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एड एस्ट्रा, इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स ग्रे ने और इस मूवी को आप इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। स्टोरी फॉलो करती है एक एस्ट्रोनॉट रॉय मैकब्राइड पर, जिनका किरदार निभाया है ब्रैड पिट ने, जो कि जाते हैं डीप स्पेस में अपने पिता को ढूंढने, जो कि अगेन बेसिकली गए होते हैं एलियन से कॉन्टेक्ट करने। मगर कुछ हो जाता है जिसकी वजह से काफी सालों बाद रॉय के पिता के एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं पूरे सोलर सिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं। अब रॉय कैसे अपने पिता के पास जाते हैं और रास्ते में क्या क्या होता है और उनका फाइनली क्या इंटरेक्शन होता है उनके पिता के साथ और वो इंटरेक्शन आखिरकार क्या क्या चीजें खोलकर हमारे सामने रखता है, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी जिसका नाम है एड एस्ट्रा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी की एंडिंग थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी, थोड़ा बहुत सेंस नहीं बनाएगी। एक साईफाई मूवी होने के बाद में भी आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि यार ये साईफाई मूवी थी, मगर इसकी एंडिंग समझ में तो आएगी लेकिन आपको पचेगी नहीं। इसलिए उस एंडिंग का मतलब समझाने के लिए कुछ चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा जो कि स्पॉइलर हो सकती है। सो स्पॉइलर अलर्ट। एड एस्ट्रा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन टू द स्टार्स और ये मूवी रियली आपको बियॉन्ड द स्टार्स डीप स्पेस में लेकर जाती है। मूवी फ्यूचर पर बेस्ड है और चांद पर ट्रैवल करना अब मानो ऐसा हो गया है कि मुझे यहाँ से वहां जाना है, मैंने 5 रुपए की बस की टिकट खरीदी और मैं बस पहुंच गया, कुछ इतना आसान है चांद पर जाना। अब ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी हमें पता है कि कोई भी चीज अगर हमें सस्ते में या फ्री में मिलती है हम रगड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो ले लो, जब फ्री में मिला था तो पूरे इंडियंस कूद पड़े थे कि what, 6 महीने के लिए हमें फ्री इंटरनेट सर्विस मिलेगी, वो भी इतने सारे GB, तो कूद पड़े थे सब लोग। तो इसी तरीके से जब चांद पर जाना इतना आसान हो गया था तो जो हालत धरती पे थी, यानी कि हर एक चीज को यूटिलाइज कर करके जिस तरीके से हम उसे खत्म कर रहे हैं, उसी तरीके से जब चांद पर जाना इतना आसान हो गया तो चांद पर एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, इतना बड़ा एरिया मिल गया और अब क्लियरली देखते हैं कि कैसे जैसे धरती का हालत था कुछ उसी तरीके से चांद का भी हालत कर दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज आप सोचेंगे कि यार धरती का ऐसा हालत किया है, चांद का ऐसा हालत किया है, तो भाई तुम कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि हमारे हिस्से में यानी कि जो भी चीजें हमको मिलती हैं, हमारी आदत होती है उसे पूरी तरीके से स्पॉइल कर देने की, हम उसकी वैल्यू नहीं करते और अल्टीमेटली हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होता है, वो होता है उस चीज से, उस अपॉर्चुनिटी से कमाना और पैसे बनाना। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे लीड कैरेक्टर रॉय मैकब्राइड जब चांद पर जा रहे होते हैं धरती से, तो उनको रास्ते में ठंडी लगती है और वो बोलते हैं मुझे एक चादर या ब्लैंकेट मिलेगा, एंड शी सेज लाइक ऑफ कोर्स सर क्यों नहीं, ओनली $120। सो बेसिकली ये सीन एक क्लियर इंडिकेशन था कि कैसे चांद पे जाने के बारे में आप कोई नहीं सोच रहे, आप चांद पे पहुंच गए तो भाई आप चांद पर पहुंचने के बाद में उसके किस तरीके से कमा सकते हैं, इस पर ये मूवी ये दिखाती है कि कैसे ह्यूमन टेंडेंसी जो है धरती से चांद पर पहुंच गए मगर वो कमाने की जो मेंटालिटी है ना वो दूर नहीं गई। अब चलिए बात करते हैं रॉय के बारे में। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है, इनको एक टास्क दिया गया है और इस टास्क को ये किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। अब इस पूरा करने के अंदाज को हम इनका कैरेक्टर इनके पिता से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर क्लियरली हम देखते हैं कि जिस तरीके से इनके पिता पागल होते हैं, नेपट्यून पे जाते हैं दूर डीप स्पेस में और वहां से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसी तरीके से रॉय भी एकदम फोकस्ड रहते हैं अपने जॉब पर और वो किसी भी हाल में अपने पिता से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आखिर नेप्ट्यून पे पहुंचने के बाद में हुआ क्या उनके पिता के साथ। अब इसी दौरान हम एक सीन देखते हैं जहां पर इनका इनकी बीवी के साथ में इंटरेक्शन होता है थोड़ा हल्का फुल्का, जहां पर इनकी बीवी क्लियरली ये कहती है कि तुम अभी तो मुझसे बहुत दूर हो लेकिन जब तुम मेरे पास में रहते हो तो भी मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर हो। यहां पर यह दर्शाया गया है कि कैसे रॉय इतना फोकस्ड है अपने जॉब पर, हर एक चीज में इतना फोकस्ड है कि वो अपने परिवार को भी एक तरीके से अपने से दूर कर दिया, उन्होंने अवॉइड कर दिया एक तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जॉब। अब बात करते हैं मूवी के मिडिल के बारे में। जब मिडिल में हम देखते हैं कि कैसे रॉय जैसे जैसे मूवी आगे चलती है बताते रहते हैं कि उनका उनके पिता के साथ में कैसा कनेक्शन था, कैसे उनके पिता ने उनको छोड़ दिया था, कैसे वो अभी भी अपने पिता से एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उनको साबित करना चाहते हैं कि वो उनके ही जैसे हैं। और लास्ट में अल्टीमेटली जब हम मूवी के एंडिंग सीन पर आते हैं तो हम क्लियरली देखते हैं कि उनके पिता एकदम डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो जिस चीज के लिए आते हैं एलियन कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी से कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है, तो जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी रॉय के पिता ने वो अल्टीमेटली उनको अचीव नहीं हुआ। इसलिए हम मूवी के एंड में देखते हैं कि जब
रॉय उनको वापस ले जाने के लिए आते हैं कि यू नो व्हाट, चलिए धरती पे वापस चलते हैं, ही वॉज नॉट रेडी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड थे, कहीं ना कहीं वो अपने आप के ऊपर अशेम्ड भी थे कि यार इतनी जिंदगी मैंने बिता दी और आखिरकार मुझे क्या हासिल हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अल्टीमेटली मेरे पास में है कौन, मेरे पास में मेरे सामने मेरा बेटा ही है जो कि इतनी दूर से आया है मुझसे मिलने के लिए। और जब रॉय वहां से जाते हैं तो उनको खुद ही एहसास होता है कि मैं भी वही चीज कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने किया था, मैं अपने परिवार को अवॉइड करके इतना दूर आया अपने पिता को प्रूव करने के लिए कि मैं उनकी ही तरह डेडिकेटेड हूँ, बट मैंने अपने पिता का हाल देखा, ही इज नॉट हैप्पी, उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हाट, उन्होंने सब कुछ खो दिया। इसलिए हम देखते हैं कि रॉय के पिता उनको कहते हैं यू नो व्हाट, मुझे भूल जाओ और जाओ और ये जो पागलपन है उसे छोड़ दो। आई मीन रॉय जो आंसर ढूंढ रहे थे उनके पिता के साथ में, उनके पिता के लिए डेडिकेटेड रहना, वैसा बनना जो उनके पिता हैं, एक्चुअल में वो जवाब नहीं था उनकी जिंदगी का। उनकी जिंदगी का जवाब ये था कि जो डीप स्पेस में वो ढूंढ रहे थे, वो डीप स्पेस में इनटू द स्टार्स यानी कि एट एस्ट्रा में नहीं है, वो उनके परिवार के पास में। सो फाइनली हम रॉय को देखते हैं कि कैसे वो अल्टीमेटली अपने यू नो परिवार के पास में आते हैं और उनको एहसास होता है कि जो पागलपन उनके पिता ने किया था वो पागलपन उनको नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली भाई मूवी का एक ही दुख है कि ज्यादा के लालच में जो आपके पास में थोड़ा बहुत है उसे भी मत खो दो, जैसे कि रॉय के पिता ने किया, एलियन से कॉन्टेक्ट करने के चक्कर में अपने परिवार को अवॉइड कर दिया, उनके बेटे को अवॉइड कर दिया, रॉय भी कहीं ना कहीं उसी नक्शे कदम पर चल रहे थे, तो ये जो है उसमें कुछ नहीं थे और कुछ और पाना चाहते थे। चलिए ये तो मूवी के तुक के बारे में हो गया, मूवी के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, साईफाई पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो गजब के इफेक्ट्स थे, ज्यादातर स्पेस के ही सीन्स हैं मूवीज में और थोड़े स्पेस शिप के अंदर के भी सीन्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे वो था मून के हिस्से का पार्ट। जिस तरीके का मून का सर्फेस दिखाया है, मून के सर्फेस पर एक्शन भी दिखाया गया और जो साउंड इफेक्ट्स है, बेसिकली साउंड इफेक्ट्स देखकर तो मुझे ग्रेविटी मूवी की याद आ गई। जिस तरीके की ग्रेविटी मूवी थी, ऑलमोस्ट लाइक ग्रेविटी मूवी में कोई साउंड ही नहीं था और जो भी साउंड था बहुत दबा हुआ साउंड था, ताकि हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें आदत है साउंड की, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाने के लिए उसमें भी थोड़ा बहुत हल्का सा दबा हुआ साउंड दिखाया है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी उतनी नहीं होती तो वो साउंड इफेक्ट नहीं आता जो साउंड इफेक्ट धरती पर होती है, और क्योंकि वो डीप स्पेस है, दूर है एकदम, यू नो वो चांद से भी थोड़ा दूर होते हैं, धरती से दूर होते हैं, तो जो हिसाब से ग्रेविटी मूवी में साउंड इफेक्ट्स को दर्शाया गया है कुछ उसी तरीके से इस मूवी ने भी दिखाया और गजब के सीन्स थे वो, यू विल रियली लव इट। और सबसे शॉकिंग बात ये लगी मुझे, ये एक रियलिटी हमारे सामने दिखाई गई कि अगर हम चांद पर जाना इतना आसान हो जाएगा तो हम वही काम करेंगे जो हम धरती पर कर रहे हैं, यू नो वो बिजनेस सेटअप कर देंगे चांद पे, रिसोर्सेस के लिए लड़ेंगे, यू नो झगड़े झंझट होंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा धरती पर होती है, और ये अल्टीमेटली पॉसिबल है, ऐसा जरूर होगा अगर चांद पर जाना इतना आसान हो गया तो। अब बात करते हैं मूवी के बारे में, अगर आप इसे साईफाई पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स है जो कि आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करेंगे, बट मूवी का एंडिंग साईफाई नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट सम एलियन, क्योंकि ऑफकोर्स एलियन से कभी कॉन्टैक्ट होते ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अबाउट एलियन कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली एलियन कॉन्टैक्ट कम और ह्यूमन कॉन्टैक्ट के बारे में ज्यादा है। तो साईफाई में जिसको इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं वो उन लोगों को मूवी की एंडिंग डिसअपॉइंटिंग लगेगी, बट ये जानना अच्छा लगा कि 100 मूवीज अगर बन चुकी है जहां पर हमेशा दिखाया जाता है यू नो व्हाट, एलियन से कॉन्टैक्ट हो गया, एक ऐसी मूवी बनी है जहां पर एलियन कॉन्टैक्ट उनका लक्ष्य था लेकिन होता नहीं है, और अल्टीमेटली हमें ये दिखाया गया है कि जब एलियन कॉन्टैक्ट नहीं होगा भाई तब तुम क्या करोगे, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, व्हाट डिड यू अचीव। तो कहना चाहूंगा कि मूवी की एंडिंग साईफाई के हिसाब से उतनी मसालेदार नहीं है, तो जो साईफाई लवर्स है जो एक्शन एक्सेट्रा यू नो एडवेंचर वगैरह चाहते हैं मूवी के एंड में वो उनको नहीं मिलेगी, मगर मूवी के एंडिंग के हिसाब से एक बंदा जो इतनी जर्नी ट्रैवल करता है और शॉकिंग रिजल्ट्स उसको देखने को मिलते हैं और जो चीज मूवी हमारे सामने रखती है, एक फैक्ट्स रखती है, वो देखना और वो जानना मेरे लिए रियली शॉकिंग था। एंड ओवरऑल कहूं तो मैंने इस मूवी को लिटरली बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, सो मैं मूवी से सेटिस्फाइड था और इसीलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7/10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी एट एस्ट्रा का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, न्यूज, नेटफ्लिक्स ऑफर्स एक्सेट्रा अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।